शुक सप्तती संस्कृत में लिखी कहानियों का एक संग्रह है। शुक यानी कि तोता। एक स्त्री अपने पति के विदेश चले जाने पर काम व्याकुल हो गई है और किसी प्रेमी से मिलने जाने को तैयार होती है। तब पाला हुआ उसका शुक उसे कहानियां सुनाकर रिझाता है और जाने से रोकता है। भारत की कहानियों और लोक संस्कृतियों में पाले हुए पंछी और प्राणियों का उल्लेख बार बार आता है। फिर हमारा इतिहास भी है। गुरु तेग बहादुर का बास, रानी लक्ष्मीबाई का बादल, राणा प्रताप का चेतक, शिवाजी का वाघ्या। कबूतर पालने की तो हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन आज आधुनिक काल में यह विषय बदल गया है। अब हमारे पास है एनिमल राइट्स। There are various laws in India that deal with the protection of birds and animals. For example, there is the Wildlife Protection Act of 1972. In addition to that, there is the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960. Even the Indian Penal Code deals with cruelty to animals. The Wildlife Protection Act deals with hunting of animals. Now, there are two points that I would like to clarify here. First, ordinarily, hunting would mean capturing and killing only. However, in Wildlife Protection Act, hunting includes capturing, killing, and even keeping them. साम्प्रत भारत में इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का यह संघर्ष किस तरह जिया जाता है? अपना खाना देते, पानी देते, नहलाते, धुलाते, सब अच्छे ढाक के रखते हैं उसको, उड़वा के सुलाते। आपको लगता है किसी जानवर या पक्षी को इस तरह पालना सही है? वैसे सही तो नहीं है, पर अब हम अपने अपने मतलब चाहत के लिए उसको पालते हैं। कुत्तों से ज्यादा वफादार ये लगता है मुझे। बातें करते हैं इससे, मैं नहलाती हूँ, बातें करती हूँ इससे। मिठू, चित्रकोटी, मिठू, मिठू, मिठू। वो हमारे साथ ही खाना खाता था और साथ में मतलब बैठा रहता था, पर वो हम गर्मी में बाहर गए तो किसी और क्या रखने में आया तो उसके कारण वो मतलब मर चुका। अभी से उड़ने ही नहीं आता है, स्टक कर पे और मतलब पिंजड़े में रखे हैं। मन तो बहुत करता है इसको कि उड़ने दे, है ना, पर इसको उड़ना ही नहीं आता। इस चक्कर में ये लगता है कि कहीं एक दूसरे पक्षी से मार देंगे या वो कर देंगे, इसलिए। ये पक्षी किसी भी तरह आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है आपके इस पक्षी की? ये मेरी फैमिली का एक सदस्य। हमारी सामाजिक परंपराओं और आधुनिक नीतियों के बीच जो नैसर्गिक संघर्ष चला आ रहा है, उनका अंत क्या है? क्या हम अपनी पीढ़ियों से चले आ रही परंपराओं को भूलकर आधुनिक काल की रीतियों को अपना लें, या फिर उन आधुनिक काल की रीतियों को भुलाकर अपने परंपरागत रिश्ते को कायम रखें? हमें लगता है कि मानव और पशु पक्षियों का परंपरागत रिश्ता कायम रहे, दोनों साथ भी रहे और आजाद भी रहे, क्योंकि एक के बिना दूसरे की हस्ती अधूरी है।